नमस्कार, मैं राजपाल सिंह चौहान सिटी हलचल के साथ नजियोबाद कोटद्वार रोड पर सेंट मैरी अस्पताल के सामने सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। वहाँ पर निकलना दुश्वार हो गया है। गड्ढे इतने गहरे हो रहे हैं कि आज प्रातः 6 बजे एक ट्रक वहाँ पर पलट गया। ट्रक पलटते ही वहाँ पर जाम लग गया। राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया। जाम लगभग 10 बजे तक लगा रहा। कब से परेशान हो? पुलिस प्रशासन या PWD कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लोग आने जाने से परेशान हो गए। कई मोटरसाइकिल सवार गड्ढों में गिर गए। एक होमगार्ड वहां दिखाई दिया जो जाम खुलवाने की कोशिश कर रहा था, मगर अकेला होमगार्ड क्या करता। हम इस टाइम जाम सेंट मैरी स्कूल के दोनों सामने खड़े हैं, जहां पर सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। मगर हमने एसडीएम से बात की थी सड़क के बारे में, उन्होंने भी खाली आश्वासन दिया कि सड़क सही हो जाएगी। आज यहां पर एक ट्रक फंस गया था, जिसकी वजह से लगभग 1 घंटे से जाम लगा हुआ है। पब्लिक परेशान है, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। भैया क्या नाम आपका? नाम मनीष, मोहम्मद अनीस। ये कब से भैया जाम लगा पड़ा है यहाँ? ये सुबह से 6 बजे से जाम है। सुबह से 6 बजे से? कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं। जनता परेशान है? जनता बहुत परेशान। सड़क की वजह तकलीफ है सर। यहाँ क्या हुआ? ये गत्ते की गाड़ी थी, ये पलटी हो गई। हाँ, इसको कोई अधिकारी को देखता नहीं है। गड्ढा सालों से चला चला आ रहा है। यहाँ हर महीने हर पानी भरता है। कितने आवास हो गए? आप देख रहे हैं मारुति वैन फंस गई है। उसको कुछ लोग धक्का देकर आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बोलो। लेकिन कोई चौधरी मिली, कोई आया नहीं अधिकारी यहाँ पे? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये जाम कब से लगा हुआ है? जाम सुबह से लगा हुआ है, 6 बजे से। कोई सुनने वाला तैयार नहीं? कोई नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 बजे से जाम लगा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। रोड गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सुबह यहाँ पर एक गत्ते की गाड़ी पलट गई थी, जिसके कारण यहाँ पर जाम लगा। गड्ढे इतने गहरे हो गए हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ जाम ही जाम। ये देखिए मोटरसाइकिल सवार कैसे गिर गया यहाँ पर। दूसरे उसको पेल कर निकाल रहे हैं। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। रोज यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। लंबा लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। पुल के उस पार तक जाम लगा हुआ है।